इंट्रोड्यूसिंग Redmi नोट 9 Pro। दोस्तों Xiaomi की तरफ से बहुत सारे लीक्स निकल के आ रहे हैं Redmi नोट 9 Pro के बारे में और इसके अब सारी स्पेसिफिकेशन भी लीक्ड हो चुके हैं। दोस्तों ये फ़ोन बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है इंडिया में और इसमें आपको काफ़ी बढ़िया स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे। दोस्तों जैसे कि फ़ोन में आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर, साथ में आपको मिलेगा 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप। और दोस्तों स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपको फ़ोन की प्राइस भी काफ़ी कम देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Redmi Note 9 Pro के स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसकी प्राइस के बारे में और इसकी लॉन्च डेट के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले बात करते हैं फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में। फ़ोन की बैक साइड में आपको ग्लास का बैक मिलेगा विद ग्लोसी ग्रेडियंट फिनिश, साथ में आपको मिलेगा क्वाड कैमरा सेटअप। फ़ोन की फ्रंट साइड में आपको पंच होल डिस्प्ले मिलेगी और आपको मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। और फ़ोन की फ्रंट और बैक साइड में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगी 6.53 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड 90 हर्ट्ज़ की पंच होल डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन आपको मिलेगा 1080x2340 पिक्सल का और पिक्सल डेंसिटी आपको मिलेगी 403 पिक्सल पर इंच की। तो डिस्प्ले की क्वालिटी आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगी, कोई भी कलर सेचुरेशन में इशू आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के कैमरा के बारे में। फ़ोन की बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, जहां पर आपको पहला कैमरा मिलेगा 108 मेगापिक्सल का, दूसरा कैमरा आपको मिलेगा 13 मेगापिक्सल का ट्राइवाइड एंगल कैमरा, तीसरा कैमरा आपको मिलेगा 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा और चौथा कैमरा आपको मिलेगा 2 मेगापिक्सल का टेलीफोटिक कैमरा। और फ़ोन की फ्रंट साइड में आपको मिलेगा 32 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा। तो दोस्तों इस फ़ोन की कैमरा क्वालिटी आपको Redmi Note 8 Pro से काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन की परफॉर्मेंस के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस का ऑक्टाकोर प्रोसेसर, जो कि एक काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। तो इस फ़ोन में आप कोई भी गेम आराम से चला पाएंगे, फ़ोन की परफॉर्मेंस आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगा एंड्रॉयड 10.0 क्यू का ऑपरेटिंग सिस्टम और कस्टम UI आपको मिलेगा MIUI 11। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन की बैटरी के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगी 4500 mAh की बैटरी, जिसके साथ आपको 30W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के रैम वेरिएंट के बारे में। दोस्तों फ़ोन में आपको 3 रैम वेरिएंट मिलेंगे। पहला वेरिएंट आपको मिलेगा 6GB 64GB, दूसरा वेरिएंट आपको मिलेगा 6GB 128GB और तीसरा वेरिएंट आपको मिलेगा 8GB 128GB। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन की प्राइस के बारे में। दोस्तों बेस वेरिएंट की प्राइस यानी कि 6GB 64GB वाले वेरिएंट की प्राइस आपको लगभग इंडिया में 25,000 रुपीज़ के आसपास देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस फ़ोन के लॉन्च होने के बाद Realme X2 Pro को काफ़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आपको इस फ़ोन में काफ़ी कम प्राइस में काफ़ी बढ़िया स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे। दोस्तों अब आखिर में बात करते हैं फ़ोन की लॉन्च डेट के बारे में। तो ये फ़ोन लॉन्च हो सकता है इंडिया में मार्च के एंड तक। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।